चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण उन्नति के लिए चाहे कितनी ही व्यक्ति सहानुभूति व्यक्त क्यों न करे, पर यह निर्विवाद है कि हमारा इससे कुछ काम न चलेगा। हमें अपनी स्थिति स्वयं सुधारनी होगी, स्वयं कठिनाइयों से लड़कर नया निर्माण करना पड़ेगा। श्रृंखलित शक्तियों को जुटाकर आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। यह बात यदि समझ में आ जाए तो सफलता की आंधी मंजिल तय कर ली ऐसा समझना चाहिए। शेष आधे के लिए मनोबल जुटाकर यंत्र पूर्वक आगे बढ़िए। आपका सौभाग्य आपके मंगल मिलन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मानसिक अशांति एक ऐसा आंतरिक आंदोलन है जिसके उठने से मनुष्य का विवेक विचार एवं ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है, जिससे फलस्वरूप वह अशांति के कारणों का निराकरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ रहता है। और यदि उद्विग्न अवस्था में कोई उल्टे सीधे प्रयत्न करता भी है तो उसके परिणाम उल्टे ही निकलते हैं। भविष्य की आशंकाओं से चिंतित और आसक्तिक कभी नहीं होना चाहिए। आज की अपेक्षा फल और भी अच्छी व्यक्तियों की आशा करना, यही वह संबल है जिसके आधार पर प्रगति के पथ पर मनुष्य सीधा चलता रह सकता है। जो निराश हो गया, जिसकी हिम्मत टूट गई, जिसकी आशा का दीपक बुझ गया, जिसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखता रहता है, वह तो मृतक समान है। जिंदगी उसके लिए भार बन जावेगी और वह काटे नहीं कटेंगी। द्वैत्व हमारी आवश्यकता है। दृश्य प्रवृत्तियों से भय लगता है, पवित्रता हमें प्रिय है। अपवित्रता से दुख मिलता है, निश्चलता से सुख मिलता है। छल और कपट के कारण जो संकरित स्वभाव बनता है उसे अपमान मिलता है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सार्थक है, वही आत्मा है और उसी की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। जब तक इस बात को समझ नहीं लेते, कोई भी समस्या हल नहीं होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण गुणों का चिंतन न करें, केवल अवगुण पर ही दृष्टिपात करें तो अपना प्रत्येक प्रिय जन भी अनेकों बुराइयों दोषों में ही ग्रस्त दिखाई देगा। अंतः स्नेह आत्मीयता सौजन्यता तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन के सुखों का अभाव हो जाएगा। अपने बच्चे के छोटे मोटे दोष भूल जाने की पिता की दृष्टि ही सच्ची होती है। माँ यदि बेटों की गलतियां ढूंढा करे तो उसे दंड देने से ही फुर्सत न मिले। अवगुणों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है। खोई हुई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विदाया फिर याद की जा सकती है। खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार लौट नहीं सकता। उनके लिए केवल पश्चात्य ही शेष रह जाता है। यह कहना उचित नहीं है नहीं कि इस कलियुग में सज्जन घाटे और दुर्जन लोगों में रहते हैं। सनातन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य और तथ्य देश काल प्रात का अंतर किए बिना सदा
सुस्थित और अशूर्ण ही रहते हैं। सन्मार्ग पर चलने वाले की सदगति और कुमार्ग पर चलने वाले की दुर्गति होने की सच्चाई में कभी भी किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता। कलयुग सत्युग की कोई बाधा इस सत्य को ढूंढला नहीं सकती। अपनी बातों को ठीक मानते का अर्थ तो यही होता है कि दूसरे सब झूठे हैं, गलत है। इस प्रकार का अहंकार अज्ञान का द्योतक है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बनता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी भूलों, त्रुटियों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। हमें अपने विश्वासों का निरीक्षण और परिश्रम भी करना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरु।